प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोशिका शुरू किया था और हमने कोशिका सिद्धांत भी देखा था और कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जीवन की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। आइए कुछ स्लाइड्स से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो इसमें हम थोड़ा टॉपिक को अच्छे से करेंगे। तो बोलता है कि सेल बायोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान क्या है। तो कोशिका विज्ञान बोल रहा है कि सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोशिका विज्ञान क्या है, तो कोशिका की संरचना और कार्य को पढ़ने का जो विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। सो द सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात ये जो कोशिकाएं होती है वो क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है ना। तो कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्ययन, कोशिका का संरचनात्मक अध्ययन और कार्यात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। और ये कहां इर्द गिर्द घूमता है ये अध्ययन, तो ये अध्ययन इधर इर्द गिर्द घूमता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या है, कोशिका है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का आविष्कार किसने किया, तो आप देख सकते हैं 1665 ईस्वी में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, डिस्कवर्ड सेल्स वाइल लुकिंग एट थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने कॉर्क के स्लाइस पे कोशिका को खोजा था। ही डिस्क्राइब द सेल एज टीनी बॉक्सेस और हनीकॉम, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं इस तरह से इन्होंने कोशिका को डिस्क्राइब किया था। और ही थॉट दैट सेल्स ओनली एग्जिस्ट इन प्लांट्स एंड फंजाई। और इनका शुरुआती जो सोच था वो ये था कि कोशिका केवल किस में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है और कवक में पाया जाता है, फंजाई एंड प्लांट्स में पाया जाता है। अब देखिए सेल थ्योरी जो है, हमने कल भी आपको डिस्कस किया था सेल थ्योरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन, कैसे सेल थ्योरी की विकास हुई, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो 1590 में हैंस तथा जेजरी जानसिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्होंने आविष्कार किया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज 1590 में की गई। किसके द्वारा की गई, हैंस एंड जेचेरियंस जानसिन। तो यहां से कोशिका का अध्ययन शुरू हुआ। उसके बाद देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक आए और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले फर्स्ट टू कॉल स्पेसेस इन कॉर्क सेल्स, इन्होंने कॉर्क सेल्स में कोशिका का खोज किया कि कॉर्क सेल्स में एक स्पेस है जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद 1680 ईस्वी में आए एंटोन वैन लीवनहॉक, इसको एबी लीवनहॉक भी कहते हैं। ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्होंने जो लिविंग सेल्स थी, जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनको इन्होंने सबसे पहले साधारण माइक्रोस्कोप से देखा। लेकिन सबसे पहले खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन कोशिका को देखा सबसे पहले माइक्रोस्कोप में किसने, एंटोनियो वैन लीवनहॉक ने देखा। उसके बाद डिस्कवर्ड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, फिर खोज हुई कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो किससे बने होते हैं। तो पौधे जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट आए मैथियास एंड सिल्डिन और उसके बाद आए थियोडर स्वान, स्लाइडिन एंड स्वान इसका हम फेमस नाम बोलते हैं। इन्होंने डिस्कवर किया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहले ऐसा थॉट था कि सेल्स या कोशिका किसमें पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो स्लाइडिन और स्वान आए, इन्होंने जो स्लाइडिन थे उन्होंने खोज किया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, पौधे बने होते हैं कोशिकाओं से। और जो बाद में स्वान आए, स्वान ने डिस्कवर किया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, अर्थात जंतुओं में भी कोशिका पाई जाती है। और जंतु किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं 1855 ईस्वी में रुडोल्फ वर्चो आए, रुडोल्फ वर्चो वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्टेटेड लिविंग सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, इन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित जो जीवित कोशिकाएं हैं
उनके द्वारा होता है। तो स्टेटेड लिविंग सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, अर्थात जो जो जीवित कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन तमाम चीजों को बनाकर आगे चलकर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो आप देख सकते हैं ये एंटोन वैन लीवेनहॉक हैं, इनका ये फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। 1673 ईस्वी में इन्होंने एक हस्त निर्मित माइक्रोस्कोप की आविष्कार की और इन्होंने देखा पॉन्ड स्कम एंड डिस्कवर्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इन्होंने स्कम देखा, पॉन्ड स्कम देखा और पॉन्ड स्कम में इन्होंने आविष्कार किया, खोज किया किस चीज का, कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं, तो जो जीवाणु और विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और एंटोन लीवेनहॉक ने क्या किया, तो एंटोन वैन लीवेनहॉक ने सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की खोज की, ऐसे जीव जिनका संरचना जिनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, एकल कोशिका के द्वारा हुआ, उसको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उन्होंने उस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एकल कोशिकीय जीवधारी का क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स नाम दिया। क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से जो ऑब्जर्व किया था वो कुछ कुछ इस तरह से दिखता था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीवधारी, जिसका उन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। तो ये एनिमलक्यूल्स हैं, इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ते हैं। He also observed blood cells from fish. उन्होंने जो मछली था, मछली के रक्त कोशिकाओं को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। बर्ड्स जो चिड़िया होती हैं, उनमें भी रक्त कोशिकाओं का उन्होंने अध्ययन किया। फ्रॉग्स जो मेंढक होते हैं, उनके भी रक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया। और डॉग्स और हुमेंस में भी उन्होंने उनके रक्त में कोशिका का अध्ययन किया। Therefore, उसके बाद it was known that cells are found in animals as well as plants. इसके बाद इस चीज की पुष्टि हो गई कि जो कोशिकाएं हैं वो कहां पाई जाती हैं, जंतुओं में भी पाई जाती हैं और पादपों में भी पाई जाती हैं। तो एंटोन वैन लीवेनहॉक के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि कोशिकाएं ना केवल प्लांट में पाई जाती हैं, कोशिका कहां पाई जाती हैं, जंतुओं में भी पाई जाती हैं। तो ये सिद्ध होता है कि सभी जंतु, सभी पादप, सभी जीवधारी किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, और प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से करते हैं। अब देखिए जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो एक ही बार में नहीं आ गया है, उसके पीछे थोड़ा थोड़ा रिसर्च है, तब जाकर एक कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। आप देख सकते हैं 1838 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन बॉटनिस्ट, मतलब बॉटनी मतलब पादपों का जो अध्ययन होता है बॉटनी कहलाता है, बॉटनिस्ट मतलब जो पादप विज्ञान के जो प्रोफेसर हो गए या उनके जानने वाले हो गए उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। उनका नाम था मैथिया स्लाइडिंग, कंक्लूड दैट ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने देखिए ये है स्लाइडिंग और ये है स्वान। तो स्लाइडिंग तथा जो स्लाइडिंग थे, मैथिया स्लाइडिंग जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को प्रतिपादित किया कि सभी प्लांट जितने भी पादप हैं किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। उसके बाद आए 1839 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं, तो ये फिजियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था थियोडोर स्वान। तो थियोडोर स्वान हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के ये बहुत करीबी मित्र थे, स्टेटेड दैट ऑल एनिमल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और इन्होंने बताया कि जितनी भी जंतु कोशिकाएं हैं, जितनी भी जंतु कोशिकाएं हैं वो किससे बनी होती हैं, कोशिका से बनी होती हैं। तो इसी को बोलते हैं स्लेडिंग एंड स्वान थ्योरी। तो स्लेडिंग ने बताया कि प्लांट जो है, पादप हैं, वो सारे कोशिका से बने हैं, और स्वान ने बताया कि सारे जंतु जंतु जो है किससे बने हैं, जंतु उत्तक किससे बने हैं, तो कोशिका से बने हैं। इसी के आधार पर सेल थ्योरी का विकास किया गया। तो देखिए फिर 1858 में अभी आप पढ़े थे रुडोल्फ वर्चो के बारे में। रुडोल्फ वर्चो भी एक जर्मन फिजिशियन थे। After extensive study, बहुत सारे अध्ययन करने के बाद उन्होंने स्टडी ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, बहुत सारे कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद, कंक्लूडेड दैट सेल्स मस्ट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ वर्चो ने कहा
कि जो भी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के कारण हुआ है, अर्थात कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। स्लाइडिंग ने प्लांट में प्रूव किया, स्वान ने एनिमल में प्रूव किया, रुडोल्फ वर्चो ने इस चीज को प्रूव किया कि कोशिकाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, तो पहले से उपस्थित कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। हम लोग सेल चक्र पढ़ेंगे, कोशिका चक्र, तो कोशिका चक्र का ही एक भाग होता है कोशिका विभाजन। तो अब इस स्लाइडिंग, स्वान और रुडोल्फ वर्चो के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत, जिसको बोलते हैं द सेल थ्योरी। तो तीनों के अध्ययन पर सेल थ्योरी कंप्लीट होता है। तो सेल थ्योरी क्या कहता है, अब हम सेल थ्योरी को क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल थ्योरी वेयर नाउ कंप्लीट। अब कंप्लीट हो गया, तो पहला सेल थ्योरी क्या कहता है, तो पहला कहता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, प्रत्येक जीवधारी एक या बहु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट था किसका, स्लाइडिन और स्वान का 1838-39 में। अब देखिए दूसरा, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये कहना था स्लाइडिन और स्वान का कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। इन ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सभी में जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका है, ठीक है। उसके बाद ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण कहां से हुआ है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित कोशिकाएं कोशिका विभाजन की क्रिया संपन्न कराते हैं और कोशिका विभाजन के पश्चात नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कॉन्सेप्ट किसका था, वर्चो, रुडोल्फ वर्चो का 1858। तीनों को मिलाकर, तीन स्टेटमेंट को मिलाकर, दो स्लाइडिंग एंड स्वान के और एक रुडोल्फ वर्चो को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अब है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो क्या है। सो मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी कंटेन्स फोर स्टेटमेंट, ये इसमें फोर स्टेटमेंट है इन एडिशन टू द ओरिजिनल सेल थ्योरी। पुराना जो अभी हमने सेल थ्योरी पढ़े, कोशिका सिद्धांत पढ़े, इसमें से क्या बोलता है कि इन एडिशन टू द ओरिजिनल सेल थ्योरी, इसको छोड़कर और चार स्टेटमेंट है जो मॉडर्न सेल थ्योरी बनाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को बनाता है। देखिए क्या क्या है, द सेल कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कहता है कि हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका में क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। वह अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, वह अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहलाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है, अर्थात माता पिता से उनके संतान में जो अनुवांशिक लक्षण है उसको कौन ले जाता है, तो डीएनए ले जाता है। तो इनका कहना है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए कोशिका का निर्माण हुआ है, पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण हुआ है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा, तो कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के पश्चात नया डीएनए भी शरीर में बनता है, कोशिका में बनता है। इनका कहना है विच इज पास्ड वन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में भी वो क्या होते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में उनका स्थानांतरण होता है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सारी कोशिकाओं की जो रासायनिक संरचना है वो क्या होती है, समान होती है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सभी की चयापचय क्रियाएं भी क्या है, लगभग लगभग समान है। फिर स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर कैरिड आउट इनसाइड द सेल। जितनी भी जो बेसिक रासायनिक और जो चयापचय क्रियाएं हैं वो कहां संपन्न होती हैं, कोशिका में संपन्न होती हैं। जैसे चयापचय क्रियाओं का मतलब है मूवमेंट, डाइजेशन, पाचन। तो पाचन में आप देखिएगा कि जो पाचन हार्मोन्स, पाचन एंजाइम्स होते हैं, सारे एंजाइम्स कोशिका के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और पाचन की क्रिया भी कहां संपन्न होती है, कोशिकाओं में संपन्न होती है। जैसे आप देखेंगे कि पाचन की शुरुआत मुख गुहा बकल कैविटी से हो जाती है, बकल कैविटी में टाइलिन हार्मोन पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज जिसको कहते हैं, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, वहां पर केवल स्टार्च का डाइजेशन हो पाता है।
फिर वहां से फूड जो है वो बोलस के रूप में कहां पहुंचता है, इसोफेगस ग्रास नली होते हुए कहां पहुंचता है, हमारे स्टोमक में, अमाशय में आता है, अमाशय में फिर एचसीएल सिक्रीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाशय की जो कोशिका है, अमाशय क्या है, एक अंग है, अंग किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, तो अमाशय में जो पाचन की क्रिया हो रही है वो भी कोशिका में हो रही है। फिर वहां से अपना फूड जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा छोटी आंत में, छोटी आंत में भी वहां पर जो पेनक्रियाज के हार्मोन्स हैं, गॉल ब्लैडर किडनी, गॉल ब्लैडर और आपका लीवर का जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो सब कहां आते हैं, छोटी आंत में आते हैं, वहां पर भी पाचन होता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहां हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। तो छोटी आंत का तात्पर्य कि कहां होता है, कोशिका में होता है। तो इनका कहना है कि सेम केमिकल कंपोजिशन, सारे कोशिकाओं की रासायनिक जो संरचना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे संरचना कोशिका क्या चीज से बनी होती है, तो सारी की संरचना समान होती है और सभी में क्या होते हैं आर्केरिड और जितने भी फिजियोलॉजिकल शरीर क्रियात्मक जो क्रिया है, तो शरीर की क्रिया है वो कहां संपन्न होती है, वो कोशिका में संपन्न होती है, जैसे पाचन, मूवमेंट इत्यादि। फिर कहता है सेल थ्योरी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल, ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये एक कोशिका है, कोशिका में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, इसके बाहर कोशिका द्रव्य होता है, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं, हमारे में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। और इसी में क्या होते हैं, इसी में यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सारे कुछ होते हैं। तो ये कह रहा है कि सेल एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जो आपके न्यूक्लियस हो गए, केंद्रक हो गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये सब सब क्या है, ये सब 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 सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो कहता है कि जितनी भी एक्टिविटी है कोशिका की वो किसके द्वारा संपन्न होती है, वो संपन्न होती है आपके जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, जैसे सारे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि, न्यूक्लियस, केंद्रक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली इत्यादि। तो प्लाज्मा झिल्ली, ऑर्गेनल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका न्यूक्लियस, केंद्रक, ये सब सब क्या होते हैं, सब 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 सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, हम लोग देखेंगे। तो जितनी भी कोशिका की एक्टिविटीज है, क्रिया है, सब किस पे निर्भर करती हैं, सब इनके सब सेलुलर स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। अब कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स, सारे कोशिकाओं की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी, है ना। तो देखिए कहता है सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो बोलता है कि सारी कोशिका किससे एक आवरण होता है, उस आवरण को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जंतुओं में कोशिका झिल्ली होता है, पादपों में कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल, हमारे में सेल वॉल नहीं पाया जाता, हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, और उनमें जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है वो सेल वॉल में ही, सेल वॉल में ही निहित होते हैं। अब है कंटेंट, प्रत्येक कोशिका में क्या है, होती है डीएनए होती है, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ, जो कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। एंड कंटेंट्स साइटोप्लाज्म, इनमें क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। तो कोशिका की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका जो आवरण होता है वो किसमें होता है, आवरण किस चीज से बना होता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं उसको, और इनमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में डीएनए पाया जाता है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। और लास्ट में है कंटेंट्स साइटोप्लाज्म, इनमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो आप देखिएगा कि इस तरह से मान लीजिए कोई कोशिका है और ये केंद्रक है, तो केंद्रक के बाहर जितने भी द्रव्य होंगे हम सबको क्या बोलते हैं, सभी को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं, सभी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है।
कोशिका जो है, सेल्स जो है, उनके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। देखिए ये है अमीबा। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। अमीबा का सेल इस तरह से दिखाई पड़ता है। प्लांट का जो स्टेम है, तना है, उसका जो कोशिका है वो इस तरह से दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी क्या है? एकल कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी हमें इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है नर्व सेल, न्यूरॉन जो हमारे होते हैं, तंत्रिका कोशिका इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। और इधर आ गया आपका रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा RBC होता है, लाल रक्त कणिकाएं, वो भी इस तरह से दिखाई पड़ती हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं, आपको पता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की कोशिका होती है, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोट, एक को बोलते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो हमारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये सब क्या है? प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट हम लोग हो गए। तो प्रोकैरियोट कोशिका से ही यूकैरियोट कोशिका की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो जो हमारा विकास क्रम है, पृथ्वी का विकास क्रम है, जीवन का विकास क्रम है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, अर्थात एकल कोशिकीय जीव आए, और एकल कोशिकीय जीव से यूकैरियोट अर्थात बहु कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आप देख सकते हैं इसमें अंतर। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, उनकी कोशिका का डायमीटर कितना होता है? उनकी कोशिका का डायमीटर होता है 2.20 माइक्रोमीटर, इसलिए क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और इनकी डायमीटर होती है 10-100 माइक्रोमीटर, और ये क्या होते हैं? बिगर होते हैं, बड़े होते हैं। अब देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अर्थात जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली। तो जो यूकैरियोटिक हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चलकर केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक जो होते हैं यूकैरियोट में कैसा होता है? झिल्ली युक्त होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? झिल्ली नहीं पाए जाते हैं केंद्रक में, अनबाउंड न्यूक्लियोइड होते हैं इसमें। ये क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स अपेंडेजेज होते हैं, और ये क्या होते हैं? बहुत ही साधारण होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसमें जो DNA होता है यूकैरियोट में, हमारे में DNA कैसा होता है? लीनियर होता है, इस तरह से लीनियर DNA आप देखते होंगे, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, द्वि कुंडली संरचना, DNA की द्वि कुंडली संरचना। तो हमारे में DNA कैसा होता है? लीनियर होता है, इसको बोलते हैं लीनियर। और DNA जो होते हैं वो किससे? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में वो किस रूप में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स में वो किस प्रोटीन से जुड़े होते हैं? तो हिस्टोन से जुड़े होते हैं। तो हमारे में DNA यूकैरियोट में लीनियर DNA विथ हिस्टोन्स होता है, लेकिन यहाँ कैसा DNA होता है? सर्कुलर DNA होता है, अर्थात इस तरह से DNA होता है, इस तरह से DNA होता है, ठीक है। और आपको पता है कि बैक्टीरिया में केंद्रक के DNA के अलावा एक एक्स्ट्रा सेगमेंट DNA के पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जिसका उपयोग हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। इसमें DNA सर्कुलर पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें भी क्या होते हैं? अंतः झिल्ली, बाह्य झिल्ली, झिल्ली युक्त होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, वो भी क्या होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं, अंतः झिल्ली, बाह्य झिल्ली होता है उसके। तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल का मतलब जो केंद्रक के बाहर है, केंद्रक के बाहर सबसे बाहर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाहर क्या है? गॉल्गी बॉडी, उसके बाहर तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। सारे चीज क्या है? एक दूसरे के सबका संबंध जुड़ा हुआ है, अर्थात कार्यात्मक रूप से सारे जो अंगक हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? एक दूसरे से कार्यात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अंगक, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। और सभी क्या होते हैं हमारे में? सभी झिल्ली युक्त होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन इसमें क्या होते हैं? झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी कोशिका में विभाजन होती है, कोशिका, एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, तो उसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कैसा होता है? माइटोसिस। हमने बताया था कि मियोसिस कहाँ होता है? केवल जनन कोशिकाओं में होता है, बाकी जितनी भी कई कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल है, सब में क्या होता है? माइटोसिस। तो हमारी कोशिका एक से दो कैसे बनती है? माइटोसिस से। इनमें क्या होती है? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? मान लीजिए ये एक हाइड्रा है और ये हाइड्रा है इस तरह से, तो इसमें क्या होता है? एक बर्ड्स होते हैं,
ये बर्ड्स आगे चलकर डेवलप हो जाता है और ये आगे चलकर क्या हो जाते हैं, बर्ड्स ही अलग हो जाता है, दो अलग अलग जीवधारी बना देते हैं। ठीक है, अब रहा बात पैरामीशियम में, तो ये है पैरामीशियम, आप जानते होंगे। पैरामीशियम में क्या होता है, आगे चलकर एक क्लीवेज फ्यूरो बन जाता है इस तरह से, और इस क्लीवेज फ्यूरो के बाद क्या होता है, ये दो नए नए कोशिका का निर्माण कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन हुआ और दो कोशिकाएं का निर्माण हो गया। तो हमारे में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, किसका, माइटोसिस का, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें होता है बाइनरी फ्यूजन। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस, सेल वॉल सिंपल व्हेन प्रेजेंट, अगर कोशिका भित्ति है तो वो क्या है, साधारण है, और इनमें जो सेल वॉल होते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल सेल वॉल, जटिल कोशिका भित्ति होते हैं। हमारे में कोशिका भित्ति साधारण होता है। साइटोस्केलेटन भी इसमें पाए जाते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें होता है राइबोसोम, हमारे में बिग होता है, बिग राइबोसोम का मतलब है हमारा राइबोसोम कैसा होता है, 80S नेचर का होता है, 80S राइबोसोम, लेकिन इसमें राइबोसोम कैसा होता है, 70S नेचर का होता है। 80S में हमारे राइबोसोम क्या होते हैं यूकेरियोट में, 60S प्लस 40S, और इनका क्या होता है, 50S प्लस 30S। तो हमारे राइबोसोम जो यूकेरियोट के हैं वो 80S नेचर का होता है, और इनका राइबोसोम कैसा नेचर का होता है, 70S नेचर का होता है। तो ये सब जो है वो डिफरेंसेस हैं किसमें, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और यूकैरियोट कोशिकाओं में। अब आप देखेंगे इसमें समानता क्या है, समानता ये है कि फ्लैजेला हमारे में भी पाया जाता है, इनमें भी पाया जाता है, और क्या समानता है, हमारे में कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें भी पाए जाते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन हमारे में भी होता है, इनमें भी होता है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य हमारे में भी पाए जाते हैं, इनमें भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी। और राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, कहाँ गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो हमारे में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनमें भी पाए जाते हैं, गुणसूत्र हमारे में भी पाए जाते हैं और इनमें भी पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, डीएनए है, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो ये सब समानता है, फ्लैजेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये उनमें भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। अब आप यहां डायग्राम देख सकते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका का, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, नो न्यूक्लियस, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा, फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैव सिंपल राइबोसोम, इनका राइबोसोम कैसा होता है, साधारण, कैसा नेचर का होता है, 70S नेचर का होता है, S का मतलब होता है सेवेनबर्ग यूनिट। तो जब आप राइबोसोम्स में दो लोब होता है, एक होता है बड़ा लोब, एक होता है छोटा लोब, तो छोटा वाला इसमें दिखाई पड़ता है 50S का, और बड़ा वाला 50S का, छोटा वाला 30S का, लेकिन होता ये कितना है, 70S का होता है। तो राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, छोटे होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, स्मॉलर एंड सिंपलर देन यूकैरियोट, इनका जो संरचना होती है वो छोटी और साधारण होती है, किसके अपेक्षा, यूकैरियोटिक की अपेक्षा। और ये क्या होते हैं, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अर्थात पूरे जीवधारी कैसे बने होते हैं, तो एकल कोशिकीय होते हैं, इनकी पूरी जो शरीर है, पूरी जो शरीर है वो किससे बनी होती है, केवल एकल कोशिका से बनी होती है। और प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं वो क्या है, प्रोकैरियोट है, हम लोग क्या है, यूकैरियोट है। अब आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक उदाहरण यहां पर दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है। तो ये बैक्टीरिया का मान लीजिए कि ये डायग्राम है ना। बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेलम, आप देख सकते हैं फ्लैजेला पाया जाता है, और इसी फ्लैजेला के द्वारा ये क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनकी जो सेलवाल है, देखिए ब्लू कलर में दिखाया गया है, सेलवाल अर्थात कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर में क्या है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनमें भी पाया जाता है, लेकिन इनमें सेलवाल पाया जाता है, हमारे में सेलवाल नहीं पाया जाता है। और इनमें देखिए ये जो दानेदार संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं,
और इनमें डीएनए पाया जाता है। देखिए डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, हमारे में लीनियर होता है, इनमें कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये अपनी मूवमेंट कैसे करते हैं, तो अपनी फ्लैजेला के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हैं ये बताया गया है। एक क्या करते हैं, इस तरह से रस्सी नुमा आकृति बना लेते हैं और एक स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक से ये आगे बढ़ते हैं और बैकवर्ड फोर्स लगता है इनमें, तो क्या होता है इनमें मूवमेंट आ जाती है। तो इनमें मूवमेंट किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू होता है, जिसको फ्लैजेलिन कहते हैं। तो फ्लैजेला का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि किस तरह से फ्लैजेला होता है। तो इनमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, फ्लैजेला की वजह से होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, जटिल होती हैं। किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में। तो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है, एटीएस नेचर का होता है। अर्थात मैंने बताया कि राइबोसोम्स में एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। इसमें छोटा यूनिट होता है 40S यूनिट, और जो बड़ा यूनिट होता है वो क्या होता है, 60S यूनिट। लेकिन दोनों मिला के कितने होते हैं, 80S होते हैं। हमारे में दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका पाई जाती है, रफ और स्मूथ। देखिए हमारे में लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। यह है आपका केंद्रक, आप देख सकते हैं, यह है केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। उसके बाद देख सकते हैं आप, इनमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है, धागा जैसा जटिल संरचना, धागा नुमा संरचना पाई जाती है। इस धागे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। और इसी क्रोमाटिन में क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में क्या है, छोटा छोटा छिद्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। उसके बाद केंद्रक में क्या होते हैं, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली पाए जाते हैं। तो इसके जो बाह्य और अंतर झिल्ली है दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और देखिए इनके बाहर में क्या है, इनके बाहर में आप देख सकते हैं इस तरह की संरचनाएं हैं। इसको हम कहते हैं इन अंतःप्रद्रवी जलिका। देखिए इसके बाहर में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है रफ वाला पार्ट है, रफ वाला न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप देख सकते हैं पूरा बिखरे होते हैं कोशिका द्रव्य में। तो ये क्या है आपका, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये वाला जो है वो क्या है, जो थोड़ी दूर पे स्थित है, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसलिए देख सकते हैं आप इस डॉटेड स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और ये कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट है, जिसको सेल कोट या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कोट या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और देखिए इसके नीचे, ठीक नीचे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या पाया जा रहा है, गोल्गी बॉडीज पाया जा रहा है। हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, इनके क्या क्या क्रियाएं हैं। और पूरा जो आप केंद्रक के बाहर और कोशिका सेल वॉल के अंदर जो जो आप देख रहे हैं, सब में क्या है, एक द्रव्य भरा हुआ है, सब में क्या है, एक द्रव्य भरा हुआ है ब्लू कलर का।
ये द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि जितनी भी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है? मैक्सिमम पार्ट संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुल मिलाकर 38 एटीपी बनते हैं, जिसमें से कि 24 एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ईंधन घर। तो यह है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, आप देख सकते हैं। इसमें से यहां पर है सेंट्रायोल, इस तरह से सेंट्रायोल्स होते हैं। यह है सेंट्रायोल। राइबोसोम मुक्त रूप में भी पाए जाते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ के भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ फ्री राइबोसोम्स। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी प्रकार का राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, इसलिए इसको SER बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन रफ वाले में क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख सकते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका का एक डायग्राम है। लिखा हुआ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जीवन की विविधता। जीवन की विविधता कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, अर्थात ऐसे जीवधारी जिनकी कोशिका, जिनका पूरा शरीर एकल कोशिकीय था, एक कोशिका से बने हुए थे। उसके उदाहरण बैक्टीरिया, अमीबा। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कल भी नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी बताया था कि सारे कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यूज का। और सारे टिश्यूज उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीवधारी का निर्माण करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीवधारी। जीवधारी कहते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये तो हो गया यूनिसेलुलर, अर्थात जिनका एकल कोशिकीय जो जीव है उनका। अब है बहु कोशिकीय जीवधारी, इनमें क्या होते हैं? दो या उससे अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका। प्लांट और एनिमल्स क्या है? मल्टी सेलुलर है। हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है। और आप देख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? एक कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है? एक तरह का अंग तंत्र है। श्वसन तंत्र क्या है? अंग तंत्र है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या है? एक तरह का अंग तंत्र है। और सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट जीवधारी का निर्माण करते हैं। प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स, प्लांट पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या अंतर है? देखिए प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि पादप में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और हमारे में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह का लवक है, प्लास्टिड्स है, लवक है। और क्लोरोप्लास्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का महत्वपूर्ण कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराना। ये पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, और भोजन बनाने की इसी प्रवृत्ति के कारण प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, अभी हम लोग वैक्यूल्स देखेंगे आगे। वैक्यूल्स का कोई शेप नहीं होता है, वैक्यूल्स इस तरह से होते हैं, और इसके जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है? बेसिकली फूड को स्टोर करने के लिए होता है वैक्यूल्स। तो जो प्लांट होते हैं पौधे में, हमारे में तो सारा भोजन जाकर जो पचता है भोजन, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेशन होता है, उसको रक्त वाहिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है और लीवर में ले जाकर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो स्टोर होता है। तो पौधे में भी जो स्टोरेज फूड है वो कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स में होते हैं, रसधानी बोलते हैं इसको, वैक्यूल्स को। और सबसे टिपिकल डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल में, इनमें क्या पाए जाते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ती पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप ये बाहर में जो है ये क्या है, ये बाहरी जो संरचना आप देख रहे हैं ये कोशिका भित्ती की संरचना है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल सेल्स में सबसे बड़ी डिफरेंस जो है वो क्या है? एक तो सेल वॉल के डिफरेंस है, हमारे में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनमें सेल वॉल पाया जाता है, अर्थात कोशिका भित्ति पाई जाती है।
इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हमारे में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, हमारे में सेंट्रल वैक्यूल्स छोटा होता है। अब एनिमल सेल्स में देखिए क्या क्या अंतर है। इनमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि हमारी कोशिका की एक जीवन अवधि होती है और प्रत्येक जीवन अवधि के बाद कोशिका नष्ट होते हैं। कोशिका नष्ट होने के लिए उस प्रक्रिया को बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में कोशिकाएं माइटोसिस के कारण अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती है, अनकंट्रोल्ड कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उनका एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है, शरीर से बाहर नहीं निष्कासन हो पाता है। तो जो कोशिकाएं मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, उनको शरीर से निष्कासन कौन करता है, वो लाइसोसोम करता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स में होते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कोशिका को तोड़ते हैं और उसको पचा करके डाइजेस्ट करके शरीर से बाहर कर देते हैं। कभी कभी लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो लीक हो जाता है और अपने ही कोशिका को पचाना शुरू करता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। हमारे में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं और हमारे में सेंट्रायोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रायोल्स क्या है, जो कोशिका को संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं, उसी को हम सेंट्रायोल्स कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गेनल्स का मतलब होता है अंगक। अंगक, अंगक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरद्रवी जलिका है, यहाँ पर गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और अगर प्लांट सेल है तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। तो जो कोशिका के बाहर जो संरचना जो है, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और केंद्रक के बाहर जो पाए जाते हैं, केंद्रक के बाहर जो पाए जाते हैं उन, और उनकी सारी की जो कार्य क्रियाविधि है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, अंगक। अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अंगक है। गोल्गी बॉडी क्या है, अंगक है। केंद्रक क्या है, अंगक है। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट क्या है, अंगक है। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, सारे पाए जाते हैं आपके कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में।